वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने 2024 में पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं और आपका पैन कार्ड बन चुका है लेकिन आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बताया गया है कि सिर्फ आधार नंबर को डालकर आप पैन कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी घर बैठे खुद से अपने मोबाइल पे। तो किस तरह से डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता कर लेना है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो उसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, टाइप कर देना है SSUP। आपको SSUP लिख लेने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको जो फर्स्ट वाला लिंक देखने के लिए मिल रहा है आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा चेक आधार वैलिडिटी। तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक आधार वैलिडिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और जो कैप्चा देखने के लिए मिल रहा है इस वाले कैप्चा को इस वाले बॉक्स पे फिल कर देना और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो आधार है वो आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको आपका आधार के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। अब मोबाइल नंबर पता चल गया, अब आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में टाइप कर देना है E-filling। आपको यहाँ पे लिख देना है E-filling। लिख लेने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला लिंक देखने के लिए मिल रहा है आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है इंस्टेंट E-pen। आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, पहला गेट न्यू E-pen और दूसरा चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पेन। तो आपको क्या करना है, ये चेक स्टेटस डाउनलोड पेन वाले ऑप्शन में जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। ये कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार नंबर को फिल करना है। तो चलिए आधार नंबर को फिल करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधार नंबर को फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे करना है क्या, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो आधार लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे OTP आ चुका है। तो आपको क्या करना है, इस वाले OTP को इस वाले बॉक्स पे फिल कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए OTP को फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे OTP को फिल कर दिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड का डाउनलोड करने का जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्लाइड करके इधर आना है। इधर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है डाउनलोड E-pen। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड करने के लिए कहा जाए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन कार्ड आप आसानी से डाउनलोड कर लिए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अभी तक पैन कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सिर्फ आधार नंबर को डालकर अपने पैन कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।